गले में हार डाला था गला अपना सजाने को, वो जालम नाग बन बैठा गला ही काट खाने को। आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन और मैं हूं शेख साफिर। नजर इस वक्त हम मौजूद हैं जिला रियासी से करीबन 70 किलोमीटर दूर गांव में आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेसिडेंट अब्दुल गनी मलिक साहब। मलिक साहब, खैर मकदम है आपका कश्मीर क्रॉन में। आपका बहुत बहुत और बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, क्या मसला है आपको, आपने हमें अचानक कॉल की, आपका क्या मसला है? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि मैं आपको आपके चैनल पे, मुझे लगता है कि बहुत बार बोला हूँ और आज भी आपने वक्त दिया मुझे बोलने का। हमारे बोलने का मकसद जो है वो कहते हैं वो शहर कहते हैं गले में हार डाला था गला अपना सजाने को, गले में हार डाला था गला अपना सजाने को, वो जालम नाग बन बैठा गला ही काट खाने को। ये असल मायने में हमारी बहुत ज़्यादा वीडियोस भी गई हैं और बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस भी, मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने ये बात पहुँचाई है। हमारा आज का कहना जो है बहुत वक्फा गुजरा। हमारे जो पंचायतों में बुरा हाल है, मैं तो एक अपनी पंचायत बग्गा की बात करूं, वो आप अक्सर मुझे लगता है कि वीडियोस देखते हो कि आज इस डेट में गरीब लोगों की वीडियो जो है वो सरदस्त है और मुझे लगता है कि स्टेट के सारे लोग जो है वो देखते हैं, जो बीपीएल प्लेन लोग हैं आज वो भी तंग हो गए हैं और वो भी निकल आए हैं बाहर। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, डिप्टी कमिश्नर रियासी जो हमारे सरदार जी यहाँ पे आए हैं और उनसे हमने एक गुजारिश की थी और एक एप्लीकेशन दी थी वेरिफिकेशन जो है नरेगा, एमजी नरेगा, और वो एसीडी साहब को लिखा था कि आप 10 दिन में ये टीम भेजे पंचायत में और आप वेरिफिकेशन करें क्या वाकया ही इन लोगों का पैसा जो है वो एमजी नरेगा का पैसा जो है वो क्या वाकया ही वहाँ के पंच, वहाँ के सरपंच और वहाँ के जीआरएस, वहाँ के ग्राम सेवक या वहाँ के वीडियो ने क्या वाकया ही वो हड़प किया है। और डीसी साहब ने उनको लिखा था पूरी तौर पे कि आप फौरी तौर पे मुझे 10 दिन का, आप 10 दिन में आप जवाब दे दें। एसीडी साहब से कोई मुझे नहीं लगता है कि लगता ये है, हम पहले ये चाहते थे कि एसीडी साहब जो है इस सिस्टम से बाहर हैं, मगर मुझे जहाँ तक आज शक होता है कि एसीडी रियासी जो है राही साहब जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। आज 2 महीने का वक्फा हो गया है, अभी भी उस एप्लीकेशन का ना वेरिफिकेशन होती है। जब भी हम फोन करते हैं तो वो फोन ऑफ करते हैं, जब भी हम फोन करते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है फोन उनका। हमारा कहने का मतलब है कि जमींदार आदमी जो होता है कि वो बड़ा जिद्दी होता है, जिन्होंने काम किया होता है हम उनकी वसादत, हम उनकी सिफारिश करते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया है। हमें यही हाल हो गया जब मटेरियल वाली लिस्ट निकली और वो छोटे अफसर एसीडी साहब नहीं हैं, वो वहाँ से टीम भेज दें, वो किस टीम को यहाँ भेजना चाहते हैं। और मेहरबानी करके हमने पहले सिर्फ मटेरियल वाली लिस्ट निकाली थी जनाब शेख साहब, हमने सिर्फ मटेरियल वाली लिस्ट, और जिसमें करोड़ों का घपला है। और यकीन माने कि दवाई की दुकान जिस बच्चे को है और वही मटेरियल इशू करता है एमजी नरेगा को, वो चीज़ें उसमें थी और उसको पैसा पड़ा है। वैसे हमारे पास कागजी सबूत हैं। एक आज हमने दोबारा से हमने कहा ज़रा हम देखते हैं अगर मटेरियल में कोई गड़बड़ हुई है, वो हमने चलाया है मामला। आज जो हम देखते हैं तो हमें ख्याल पड़ा, हमने कहा जरा ये इनवाइस किन लोगों को हुई है, क्या वाकया ही जैसे मटेरियल वाली लिस्ट पे मामला हुआ है, क्या ये जो इनवाइस का मामला है ये किसको हुई है? और यकीन माने ग्राउंड पे काम नहीं है उसकी इनवाइस जो है, और मैं अभी सारे पंच के पास नहीं पहुंचा हूं और दिनों में पहुंचने वाला हूं। मैंने वाहिद एक पंच जो है वार्ड नंबर 1 जिसका नाम मंजूर अहमद है, और यकीन माने बस हो जाती है जब मैंने वो कागज़ निकाले, और आप यकीन माने कि उसको लाखों रुपया जो है इनवाइसें दी गई। क्या
PMAY भी उसी मंजूर मेरे भाई को, मुझे कोई गिला नहीं है उससे। हमें यहाँ आपसी कोई भी बात होगी मगर मैं उसको कोई शरारत नहीं से नहीं कहता हूँ। काकस बोलता है कि वाकया ही मंजूर जो है गलत है, PMAY भी उन्हीं को और फिर इनवाई से भी उन्हीं को। 2017 से इधर इधर काम 17 में हुआ है और 21 में उसको ही इनवाइस पड़ी है। यानी सर वो है, ये भी बता दीजिए ना। बेसिकली वो पंचायत का भी है, पंचायत का ही एक रुकन है और वो वार्ड नंबर 1 का एक मेंबर है, मंजूर अहमद नाम है, मंजूर अहमद सना अब्दुल्ला। उसी के परिवार को जनाब मैं आपको कहूंगा काकस बयान देगा। हमने यहाँ परसों से जब शुरू किया है, मैंने SDM साहब से बात की है, SDPO साहब से बात की है, मैंने BDO साहब से बात की है और उन्होंने BDO साहब ने एक चीज वहां वाकया ही कही, उन्होंने खड़ा खड़ा उनके दो जॉब कार्ड, एक 26 जॉब कार्ड नंबर 26A है और एक जॉब कार्ड नंबर 026 है, वो BDO साहब ने उनका बड़ा मस्त डिलीट करे और मेरे सामने डिलीट कर दिए। मगर मैंने नहीं माना, मैंने कहा जब तक इसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी ये जॉब कार्ड दो जो हैं ये किस सन से चला आ रहे हैं यहाँ तक, इनकी इनवाइसें कितनी हुई हैं वो मेरे पास पूरा डाटा है। और कहीं लोगों को अभी मेंबर हजरात ये कहते हैं कि ये झूठ है, अगर ये झूठ है तो आप यकीन माने मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो कंप्यूटर है वो झूठे हैं। यानी साहब ये पूरी पंचायत का मसला ऐसा है या आपके वार्ड का मसला है? नहीं, ये सारी पंचायतों में, मुझे अभी मैंने अभी एक बार से शुरू किया है, मैं 7 बार तक जाना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि काम कहाँ पे हुआ है, कहाँ का नहीं हुआ है। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और मैं यहाँ का, यकीन माने आप, मैं यहाँ का 30 साल नहीं 50 साल का यहाँ मुझे लगता है मुझे तजर्बा है इस काम का और मैं यहाँ का लीडर हूँ। यहाँ की जमीनी जो यहाँ बात है, कोई भी यहाँ मामला होता है ये मैं अब्दुल गनी हूँ जो हाई कमान तक बात पहुँचाता है। मुझे नहीं लगता है कि अभी मेरे गांव में कोई वैसा बंदा है जो आगे बात पहुँचाता है, वो मैं हूँ। मैं यहाँ के पार्ट टाइम वर्कर PHE की भी बात पहुँचाता हूँ, गैंग पुलिस की बात पहुँचाता हूँ, बेवा की बात पहुँचाता हूँ, राशन की बात पहुँचाता हूँ और मेरा फर्ज बनता है MG नरेगा जो है, ये MG नरेगा महात्मा गांधी ने यहाँ पे ऐजाद किया था, ये गरीबों का था। मगर आप यकीन माने गरीब के पास पैसा नहीं पहुंचता है। आपको मैं साबिर साहब एक चीज और बताऊं, मैंने कुछ इनवाइसें देखी जो बेवा औरतें हैं, एक इनवाइस पड़ी है 2600, यहाँ अगर ज्यादा से ज्यादा 2700। और क्या मेंबर के घर में, मंजूर मेंबर के घर में इनवाइस और PMA वह कम से कम 15 लाख और 12। गनी साहब गलत बोलते हैं, अरे मैं गलत नहीं हूँ, मुझे मत बोलिए, ये कंप्यूटर गलत हो सकता है, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने अपने चश्मों से कंप्यूटर पे ये निकाला है और वो आपको आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे मेरी एक ही गुजारिश है आज, एक तो ACD साहब से जो हमने उनको एप्लीकेशन दी है कि वो आके यहाँ पे पंचायत में बैठे, वो इनवाइस से भी चेक करे किसको कितनी है और यहाँ मटीरियल का भी हमारा मामला है जो हमने उनको एप्लीकेशन दी है, वो यहाँ पे टीम बिठाए, वो वेरिफिकेशन करे अगर हम गलत नहीं है। देखो कंप्यूटर ACD साहब का गलत हो सकता है, हिंदुस्तान का कंप्यूटर, जम्मू कश्मीर का कंप्यूटर गलत हो सकता है। मेरा काम है कि मैं सिर्फ कंप्यूटर पे भरोसा करता हूँ और मेरे पास जो कागजात आए हैं वो फ्रॉड किया है, यहाँ मेंबरों ने कुछ नहीं रखा है। आपने उन लोगों का मसला आपने क्यों नहीं उठाया? साबिर साहब मेरी एक बात सुनिए, उनको डराया धमकाया, आप यकीन मानते हो आज आप वो आप देखते हो कि आज न्यूज़ें क्या आती हैं, कभी सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। साबिर साहब ये सच एक दिन सामने आएगा, आप यकीन मान जाइए, यकीन माने नंगे हो जाएंगे। ये पंचायत ने नंगा होना है और एडमिनिस्ट्रेशन ने नंगा होना है, जो ये ब्लॉक का ये जो मुलाजम है ये नंगे हो जाएंगे, आप यकीन माने। ये मैंने वादा किया है, मैं कभी नहीं डरता हूँ। मैं इसी बार गवर्नर साहब को इसी हफ्ते में, इंशाल्लाह 2 हफ्ते में मैं टाइम जरूर लूंगा उनसे, मैं दोनों हाथ जोड़ के उधर तक जरूर तकलीफ करूंगा और ये अपनी आवाज इस पंचायत की वहां तक पहुंचाऊंगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्द से, इन्हीं अल्फाज से इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अब्दुल गनी मलिक साहब, इनकी पंचायत का जो मसला है इन्होंने खुद बताया, आपने भी सुना। ये इंतजामिया को चाहिए, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं चरणदीप सिंह और इसी
अगर ये चाहते हैं कि इस मसले पे वेरिफिकेशन हो तो होनी चाहिए वेरिफिकेशन, कहीं ना कहीं तो घोटाला हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्रॉन देखने के लिए, शेख साबिर रियासी से। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स कोचिंग फॉर 11th 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स विद वैलीज टॉप फैकल्टी ऑन बोर्ड। विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर, कॉल ऑन 9622888333, 9469888333।